In this video, we are going to discuss the provisions of Section 22 of Hindu Marriage Act. इस वीडियो में हम सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करेंगे. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने अप टू सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कवर कर लिया है. सेक्शन 19 क्या कहता है? कोर्ट्स टू विच पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड. इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई पिटिशन प्रेजेंट किया जा रहा है तो किस कोर्ट में किया जाएगा? हमने अब तक के वीडियोस में सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 19 तक के प्रोविजंस को बेयर एक्ट के साथ समझा है. अगर आप वीडियो में नए हो और पहले के सेक्शंस को समझना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो. इस वीडियो में हम डील करेंगे सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. लेकिन उससे पहले हम अपने अब तक के सेक्शंस को फिर से रिकॉल करेंगे. जैसे सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, जिसमें 5 कंडीशंस हैं. सेक्शन 6 रिपील हो चुका है, जो कि बात करता था गार्जियनशिप इन हिंदू मैरिज. 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, जिसमें सप्तपदी इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू वैलिडेट एनी हिंदू मैरिज. 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, इसका लीडिंग केस है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार. 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. 10 जुडिशियल सेपरेशन. 11 वॉइड मैरिज. 12 वॉइडेबल मैरिज. हमने दो क्लास में केवल वॉइडेबल मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझा है. सेक्शन 13 डाइवोर्स. 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स. 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. तो इन तीन सेक्शंस को आप हमेशा एक साथ पढ़ोगे. 14 नो पिटिशन ऑफ डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज. 15 डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, कब एक तलाकशुदा व्यक्ति दोबारा शादी कर सकता. 16 लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज. 17 पनिशमेंट फॉर बाइगेमी. 18 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर कंडीशंस. राइट, तो 17 पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, इसके साथ आप रीड करोगे सेक्शन 18 को, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर कंडीशंस. 19 कोर्ट्स टू विच पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड. इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक्शन 22 के बारे में, विच टॉक्स अबाउट प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा. नाउ इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स होंगी वो किसके सामने कंडक्ट होंगे. अच्छा, आगे लिखा गया है प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मस्ट नॉट बी नो यहां लिखा गया है मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश. प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा and may not be printed or published. तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कि जो भी मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स होंगी, whether under section 9, 10, 11, 12, 13 और 14 या कोई भी प्रोसीडिंग्स हैं इस एक्ट के तहत, तो वो हमेशा कंडक्ट होगा बिफोर जज, बिफोर एडवोकेट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, ऑफ कोर्स बिफोर बोथ द पार्टीज एंड देयर फैमिली मेंबर्स. और जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उनका जो भी रिजल्ट रहेगा
कोर्ट जो भी डिक्री या जजमेंट पास करेगी उसे कोई थर्ड पर्सन ना तो प्रिंट कर सकता है ना ही पब्लिश कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो उस कंसर्न्ड कोर्ट के यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के प्रायर परमिशन से उस प्रोसीडिंग्स का क्या निष्कर्ष रहा, व्हाट वाज द कंक्लूजन, उसे ज़रूर प्रिंट या पब्लिश किया जा सकता है। तो इफ देयर इज जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देन विथ द परमिशन ऑफ देम द कंसर्न्ड मैटर मे बी प्रिंटेड और पब्लिश, राइट। क्यों हम नहीं कर सकते हैं प्रिंट या पब्लिश? तो बेसिकली इट इज द प्राइवेट मैटर ऑफ टू पीपल, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये उनके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन होगा, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन होगा। तो लोअर कोर्ट जो भी जजमेंट देता है मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में उन्हें प्रिंट या पब्लिश नहीं किया जाएगा। अगेन इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप किसी भी वे में प्रिंट या पब्लिश नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है इट इज मे एंड नॉट शैल। आगे कहता है सेक्शन 22 का सब सेक्शन 2 कहता है इफ एनी पर्सन प्रिंट्स और पब्लिशेस एनी मैटर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 ही शैल बी पनिश्ड विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उस पर 1,000 रुपये तक का पेनाल्टी लगाया जा सकता है, राइट। इतना ही है हमारा सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 22 को कवर किया। कुछ सेक्शंस और रह गए हैं जैसे सेक्शन 24, 25, 26, 27 और 28 और लास्ट है 28A। इन 5-6 सेक्शंस को हम कवर कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे थियरीज ऑफ डाइवोर्स के बारे में, राइट। इस तरह से हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।